नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। कानपुर में सपा ने प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ खोला मोर्चा। विधायक ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर रखा सम्मान समारोह, कहा तो सी ग्रेट हो। गिद्ध भोजन की तलाश में पहुंचा कानपुर। स्लॉटर हाउस के पास भीड़ ने पकड़ा, जू प्रशासन ने कब्जे में लिया। मनाली और मसूरी से भी ठंडा कानपुर। ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी, दो युवकों समेत 17 की हार्ट अटैक से मौत। अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार आज से शुरू, 3 दिनों तक नहीं करेंगे प्रशासनिक कार्य। बुधवार को फूकेंगे पुलिस प्रशासन का पुतला। लखनऊ में ठंड में अटैक के मरीजों में हो रहे ब्लॉकेज, दर्द और घुटन के मरीज बढ़े, हार्ट अटैक के डर से पहुंच रहे अस्पताल। बिजली महंगी करने की तैयारी, बिजली कंपनियां 15% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव बना रही, 3 करोड़ उपभोक्ताओं पर सीधा असर। आगरा के ताजमहल के पास अनुपम खेर ने ली गुरु से क्लास, बोले मुझे प्यार भरा गाना सिखाओ गुरु। रंधावा ने कहा किसके लिए गाएंगे। में 4 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की स्कूटी व अवैध असलहे के साथ नकदी बरामद, जेल भेजे गए सभी। सुल्तानपुर में भूख हड़ताल पर बैठी दिव्यांग महिला, बेटे की हत्या का आरोप, पुलिस ने दुर्घटना में दर्ज किया मामला, एसडीएम ने समझाकर उठाया। रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत, फैक्ट्री से नाइट ड्यूटी करके लौट रहा था, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी। बिजनौर में रजाई और उपकरणों का वितरण, राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ने 1000 रजाई, वैसाखी और व्हीलचेयर बांटे। जर्जर 12 सरकारी स्कूलों का होगा निर्माण, स्कूल के निर्माण से बच्चों को मिलेगा बड़ा लाभ, निर्माण के लिए बजट हुआ जारी। बरेली में फेसबुक फ्रेंड से कराई पति की हत्या, 2 महीने पहले हुई थी दोस्ती, फिर अफेयर, अरेस्ट होने पर बोली पति टॉर्चर करता था। रात में खेतों की रखवाली कर रहे किसान, बोले आवारा पशुओं ने नष्ट कर दी थी कई बीघा फसल, अलाव के सहारे खेतों पर रात काटने को मजबूर। गाजियाबाद में ऑटो चालक की मौत पर हंगामा, परिजन बोले एक्सीडेंट के बाद पुलिस पकड़ कर ले गई और खूब पीटा। किसान ने किया सुसाइड, घर से 20 मीटर दूर आम के पेड़ से लटका मिला शव। मथुरा में अग्रवाल क्लब का सम्मान समारोह, संस्था के 20 साल पूरे होने पर आयोजित हुआ कार्यक्रम।
विदुर कुटी गंगा घाट पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मां गंगा आरती का किया आयोजन। प्रशासन व आरएसएस के प्रयास से गंगा में घुलित ऑक्सीजन का बढ़ा स्तर। बिजनौर के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर घने कोहरे के कारण चार एक्सप्रेस ट्रेन हुई लेट। सर्द मौसम में यात्री परेशान। बाद में घरेलू कलह के चलते छत पर चढ़ी महिला ने ससुरालियों पर लगाया आरोप। वसीयत कैंसिल करने की मांग। एसडीएम ने जांच के बाद न्याय का दिया भरोसा।